नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्ट हैंडल इज बातें नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एक्चुअली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है क्या? दो प्रोसेस होते हैं, एक तो हाइड्रेशन होता है, एक हाइड्रोलिसिस होता है ना। अब जैसे हाइड्रेशन की बात करें, अगर आपने सोडियम आयन लिया, वाटर के साथ इंटरेक्ट करने लगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, तो दिस इज बेसिकली अ फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। अभी भी यहां से आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिल्डअप होने लगेगा, ये फिजिकल प्रोसेस अपने आप में है ना। यहां पे आयन है, ये डाइपोल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज बेसिकली फिजिकल फिनोमेना, देयर इज नो केमिकल चेंज हियर, ठीक है। लेकिन अगर आयन वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करना शुरू कर दे, केमिकली रिएक्ट करके सिस्टम में H+ या OH- देना शुरू कर दे, देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर आयन की वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होने लगे, एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन दे स्टार्ट फॉर्मिंग H+ और OH- विद दिस सिस्टम, देन दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखिए हाइड्रोलिसिस इज, तुम पीछे बोर्ड के बार बार नहीं देखोगे, सामने देखोगे, या तो तुम पीछे बैठ जाओ, ये सबसे सीधा ही है। हाइड्रोलिसिस इज क्लास के बाद टूटा हुआ देखना, जल्दी क्लास से बार बार पीछे मुड़ के देखना सही है। हाइड्रोलिसिस इज केमिकल रिएक्शन ऑफ आयंस विद वॉटर आयंस विद वॉटर टू प्रोड्यूस H+ और OH- टू प्रोड्यूस H+ और OH- विद इन सिस्टम टू प्रोड्यूस H+ और OH- विद इन सिस्टम। बड़ा नया कोड है कि हाइड्रोलिसिस स्टडी करने वाले हैं पहले, है ना। प्रोसेस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड वन इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड थर्ड वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड लास्ट वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये चार हाइड्रोलिसिस हम यहां पे सीखेंगे, चार टाइप के हाइड्रोलिसिस यहां पे स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि एक रिलेशन होती है एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस पेयर में, वो रिलेशन हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये चार चीजें अभी पढ़ेंगे, इससे पहले एक जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर में क्या रिलेशन होती है, वो हम पहले यहां पे समझेंगे, उसके बाद हम चारों को स्टडी करेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखिए रिलेशन, देखिए वहीं से लिखो उसी के लिखिए से, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, रिलेशन बिटवीन dissociation constant of acid and its conjugate base pair dissociation constant of acid and its conjugate base pair acid and its conjugate base pair again और जैसे मैंने सपोज एक एसिड लिया HA, व्हाट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसे एक H+ निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस विल बी
एक एक्स प्लस बाहर निकाल दिया, कॉन्जुगेट बेस विल बी ए माइनस। तो ये मेरा एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये बात समझ में आई? इन दोनों में हमने रिलेशन फाइंड कर दिए, इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट को कोरिलेट करना है। ठीक है, देखिए एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट एच ए गिव्स एच प्लस प्लस ए माइनस। कांस्टेंट क्या लिखते हैं इसका, K, acid dissociation constant. What is the value of K here? K will be concentration of H plus into A minus divided by concentration of HA. ये acid dissociation constant हो गया, K value होगी इस weak acid HA की। यहाँ तक आने clear है? अब मेरे पास इसका conjugate base A minus है, इसकी equation लिख रहा हूँ। देखिए A minus की डिसोसिएशन रिएक्शन लिख रहे हैं, इट फॉर्म एच ए प्लस ओ एच माइनस। देखो बेस का काम कर रहे हैं, ओ एच माइनस दे रहा है ना, ओ एच माइनस देने वाला फर्निश करने वाला क्या होगा, बेस होगा। ये बेस का काम यहाँ पे कर रहा है। तो बेस के लिए कॉन्स्टेंट क्या लिखते हैं, दैट इज के डी। क्या लिखूं बताइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए इंटू ओ एच माइनस डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस। वॉटर टू लिखे बात है ना। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं। देखिए कैसे, K of HA मल्टीप्लाई बाई KB of A माइनस, ये निकाल रहा हूं। ठीक है, ये जो वीक एसिड है उसका K और ये जो वीक बेस आया उसके KB को कोरिलेट कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन कैसे लिखूंगा, that is H plus concentration into A minus divided by HA, multiply किया HA into OH minus upon A minus, ऐसे लिखिए। यहाँ से नारी, यहाँ से A minus will cancel out, HA will cancel out. Now the product is concentration of H plus with concentration of, और बेटा इसको क्या बोलते हो, आईडी प्रोडक्ट ऑफ वॉटर, ये बोलते हैं ना। अब इसको क्या बोलेंगे, आईडी प्रोडक्ट ऑफ वॉटर, दैट इज KW। तो ये रिलेशन हमें ध्यान में रखना है कि अगर एक एसिड है मेरे पास और उसका कॉन्जुगेट बेस है तो प्रोडक्ट विल बी अ कांस्टेंट लाइक दिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus multiply by concentration of OH, sorry, K of HA, ये ध्यान रखना है। ये समझ में आई? क्या लिख सकता हूँ, K of acetic acid into KB of acetate, that will be constant. K of HCN into KB of CN minus, that will be a constant. K of H3PO4 into KB of H2PO4 minus will be a, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। आपके एक्स्ट्रा लग गई, कितने में से कितने में से, एक घंटे की आठ से दस लग चुकी है एक्स्ट्रा। अरे नहीं, अभी तो पहले डिसाइड कर लो एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स वाले सर ने लगा लिया ना आठ से दस, नहीं रहेगा सॉलिड का क्या सीन रहा है, सॉलिड आपको मैंने सॉलिड स्टेट सर उसमें ना डाउट है, मतलब पूरा दिल से ना उनका जो डाउट आप क्लास ले लेंगे आपको हो जाएगा बस की भाई नहीं, मतलब किसी ने कोई ऐसा किसी शुरू से नहीं पढ़ा हो, सब लोगों ने शुरू से नहीं बोर्ड से नहीं सॉलिड स्टेट बोर्ड से बोर्ड से नहीं क्यों सर लिक्विड है वो और वो लिक्विड सॉल्यूशन थी और थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री सॉलिड तो होना चाहिए नहीं है सर, नहीं है सॉलिड नहीं है, दोनों चैप्टर जब पूरा इसके लिए सॉलिड
सरफेस पे या सॉलिड पे? नो सर, बोर्ड पे। ऑर्गेनिक डाल दिए पूरी पॉलीमर डाल दिए। अच्छा ऑर्गेनिक का इसका तीन ही चैप्टर पड़ेगा। हेडिंग लीजिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, hydrolysis of salt of strong acid and strong base, ठीक है? मान लो आपने NaCl लिया, इसके parent acid base बताओ, NaOH और HCl, HCl is strong acid, NaOH is strong base, इसी तरीके से KCl लिखा, KOH और HCl, KNO3 लिखा, KOH और HNO3, है ना? इसी तरीके से NaClO4 लिखा, NaOH और HClO4, HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? इनके हाइड्रोलिसिस की बात करें, देखना जरा ध्यान से, मान लो हमने NaCl लिया, सपोज NaCl का सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट का डिसोसिएशन हमेशा कंप्लीट होता है, सॉल्ट पूरा डिसोसिएट कर जाता है, है ना? उसके सोर्स कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सॉल्ट का डिसोसिएशन क्या होगा? कंप्लीट होगा, चाहे वो पैरेंट एसिड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, फर्क नहीं पड़ता। यहां से डिसोसिएशन करेंगे इसका, दैट इज Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब मान लो Na प्लस की रिएक्शन कराऊं वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस कराऊं, अगर रेड केमिकल रिएक्शन आयंस की वाटर के साथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन ऑफ आयन विद वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। मान लीजिए मैंने सोडियम प्लस की वाटर से रिएक्शन कराई, याद रखना केटायन जो है वो रिएक्ट करके वाटर से H+ देता है और अनायन वाटर से रिएक्ट करके OH- देता है, ठीक है? कैटायनिक रिएक्शन वाटर से होती है, इट गिव्स H+ एंड एनायन विद रिएक्ट विद वाटर फॉर्म OH-। अब देखिए इधर देखो ध्यान से, NaOH क्या है? कैसा बेस? पूरा फिर से डिसोसिएट कर जाएगा किसमें? और ये वापस से मिलके क्या बना देंगे? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, देन रिएक्शन हुई नहीं, Na+ तो वाटर फिर से मिल गया ना, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन तो हुई नहीं, बताइए? इसका मतलब, कहने का ये मतलब है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस नेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बेस का जो कैटायन है वो कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं जाता, यानी कहने का मतलब है इसका हाइड्रेशन तो होगा सोडियम प्लस का या के प्लस का, लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वाटर से रिएक्ट करके सिस्टम में H+ नहीं देता है एक्स्ट्रा, है ना? H+ फर्निश नहीं करता, एसिडिक नहीं बनाता मीडियम को। सेकंड पॉइंट इज, मान लो एक तो सोडियम प्लस की बात हो गई बेटा, अगली बात Cl- की करते हैं, अगर Cl- की वाटर से केमिकल रिएक्शन कराएं, Cl- रिएक्ट विद वाटर, नाउ द प्रोडक्ट इज HCl विद OH-, याद रखना जब भी अनायन वाटर से केमिकली रिएक्ट करेगा इट विल फर्निश OH-, OH- डेवलप करेगा सिस्टम में। अब देखो what kind of acid HCl is, strong acid, तो ये dissociate कर लिया जिसमें H+ this Cl- और बेटा H+ OH- again they will neutralize each other and form H2O, same product बन गया, again ये hydrolysis भी नहीं करता। कहने का मतलब है कि anion of strong acid
do not undergo hydrolysis, no hydrolysis, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता. यानी अगर मैं जैसे सपोज NaCl ले लिया, NaCl का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लूं, 10^-3 ले लूं, या 0.1 मोलर NaCl ले लूं, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लूं, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल. कोई हाइड्रोलिसिस जा ही नहीं रहा, ना तो कोई H+ दे रहा है, ना तो कोई OH- दे रहा है, तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल. क्या बनेगी बात? ना तो कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस जाता, ना तो अनायन स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोलिसिस जाता. क्लियर है बात? देखिए अब सेकंड हेडिंग लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. देखिए एग्जांपल इसका NH4Cl, NH4Cl में बेस फोल्ड है, NH3 है ना, NH4 एक ही बात है ना. एसिड कौन सा है? एसिड कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है. इसी तरीके से ले लिया NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, सही है? R NH3 प्लस Cl माइनस, सही है? इसमें बेस कौन सा है? R NH3. एसिड कौन सा है? HCl, सही है ना? इसी तरीके से ले लिया C5H5NH+Cl-. पिरिडिनोन एसिड का सॉल्ट है, बताइए. तो यहां पे इनका हाइड्रोलिसिस कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपने NH4Cl लिखा, NH4Cl सॉल्ट है, सॉल्ट का डिसोसिएशन क्या होता है ना? कंप्लीट होगा, चाहे किसी से भी सोर्स से आए, चाहे सोर्स उसके स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, फर्क नहीं पड़ता. डिसोसिएशन कैसा होगा? कंप्लीट. क्या लिखूंगा इसको? NH4+ Cl-, ऐसे लिखिए. Let concentration was C. After dissociation, NH4+ will be C and Cl- will be C. अब मुझे बताओ, यहाँ पे NH4+ और Cl- बन गया, Cl- hydrolysis जाएगा क्या? नहीं जाएगा. Cl- hydrolysis नहीं जाएगा. NH4+ की कहानी देख लेते हैं. NH4+ बेटा कैटायन है, और कैटायन वाटर से रिएक्ट करके क्या देता है? H+. इसने दिया NH4OH+H+. इसको क्या मानते हो? वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस? वीक बेस है. तो ये रिएक्शन पूरी पीछे चली जाएगी या पार्शियली जाएगी? पार्शियली जाएगी. इसका मतलब यहां पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा इस तरीके से. बताओ, अगर ये रिएक्शन पूरी बैकवर्ड नहीं गई तो इसका मतलब कुछ तो H+ सिस्टम में बचे ना. The nature of this solution will be acidic due to hydrolysis of cation. Weak base से आने वाला cation hydrolyze होता है, ठीक है? Weak base से आने वाला cation क्या होता है? Hydrolyze होता है. अब देखो इसका hydrolysis कैसे लिखेंगे. देखिए ये concentration कितना बन गया? C, ठीक है? इसका जो अल्फा है ना उसको H बोलते हैं. H is called degree of hydrolysis. तो ये कितना मिला? C 1-H. अल्फा को इसके H बोलते हैं. H is called as degree of hydrolysis. H is degree of hydrolysis. Degree of hydrolysis है. ये कितना है? NH4OH. CH. H+ कितना है? CH. Now the constant is called as KH. KH is called as hydrolysis constant. Hydrolysis constant. इसको क्या बोलते हैं? KH. KH is called as the hydrolysis constant. बताइए, यहाँ से KH की वैल्यू क्या निकली?
बोलो बेटा के एच बराबर सी एच स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एच। जरा एक बात समझना, एक बात सोचना, हमें मान लो के वी दे रखता है NH4OH का। अच्छा इसका नेचर कैसा है, ये एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है? बेसिक है, बताओ कैसे बेसिक है? इसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है ना, सॉल्यूशन में H+ देने वाला क्या होता है? आपको एक बार समझा देता हूँ। रिएक्शन वॉज जो KS था वो इक्वल था K ऑफ NH4 प्लस के। क्यों था ये लिख रहा है बताइए, क्यों था ये लिख रहा है? क्योंकि H+ दे रहा है, H+ देने वाला क्या होगा? एसिड। और एसिड का कॉन्स्टेंट क्या कहलाता है? एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, K कहलाता है। यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय KB ऑफ NH3, लिख सकता हूं ना, ये बात है ना। यहां मैं इसको लिखा दैट इज सी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एच। बताओ बाकी सारी कहानी वैसे ही है जैसे इक्विलिब्रियम फॉर्म करते थे। पहला पॉइंट ये है कि इफ के एच बाई सी इज ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 3, तो आप क्वाड्रेंट नहीं। आपको के भी दे रखा होगा, के भी दे रखा होगा सवाल में, के डब्ल्यू रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का पता होगा, एच निकालने के क्वालिटी सॉल्व करिए। और अगर एच निकाल दिया, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गई सी टू एच, वहां से पीएच आ जाएगा, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि इफ के एच बाई सी इज लेस देन 10 एस पावर माइनस 3, देन 1 माइनस एच कैन बी रिटन एज 1। सेम थ्योरी यहां से क्या लिख सकता हूं, के एच बराबर सी एच स्क्वायर सो दैट एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, के एच डिवाइड बाय सी। कैसे लिखना है बताओ, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे? सी इंटू एच, बोलो। यहां से लिखा सी, के एच को क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी, this become equal to C into KH, और KH को लिखा आपने KW by KB। बताइए KH को क्या लिखते हैं, ये भी दे रखा है अमोनिया का NH4OH का, अमोनिया NH4OH का सेम, नो डिफरेंस, या तो अमोनिया बोल दो या तो NH4OH बोल दो, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहां से बताइए पीएच निकालना है, पीएच कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस का लिखो सी इंटू के डब्ल्यू डिवाइड बाई ए बी पावर 1 बाई 2, सही है। यहां से क्या लिखू, माइनस हाफ कॉमन ले लिया, बोलो माइनस भी इसमें इंट्रोड्यूस कर लो, माइनस लॉग सी माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी, ऐसे लिखिए दैट इज इक्वल टू पीएच, ये माइनस लॉग सी था है ना। यहां से लिखिए पीएच कैन बी रिटन एज पीएच इज इक्वल टू हाफ, यहां से लिखिए दैट कैन बी रिटन एज पी के डब्ल्यू, बोलिए इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, लिख सकता हूं ना। तो यहां से दैट इज पी के डब्ल्यू माइनस ऑफ
माइनस ऑफ पी के बी माइनस ऑफ लॉग सी, ऐसे लिख दिया। अगर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, देन वैल्यू ऑफ पी के डब्ल्यू विल बी 14। बताइए व्हाट इज पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, दैट इज हाफ ऑफ 14, दैट इज 7 माइनस ऑफ व्हाट, 7 माइनस ऑफ हाफ पी के वी प्लस लॉग सी। ये आपका सिस्टम का पीएच आ जाएगा और आपको यहां से दिख रहा होगा कि जो पीएच है दैट इज लेस देन 7। बोलिए पीएच 7 से कम आने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इज एसिडिक। और एसिडिक क्यों है, ड्यू टू किसकी, हाइड्रोलिसिस की वजह से, कैटायनिक या हाइड्रोलिसिस की वजह से, ड्यू टू कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। पीएच इज लेस देन 7 ड्यू टू कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। किसके सिस्टम का पीएच क्या होगा, 7 से कम है। ठीक है, एक बार समझते हुए लिखेंगे इसको। इसको समझते हुए लिखिए, क्वेश्चन करते हैं इस पे। कंजुगेट बेस पेयर में क्या रिलेशन बताया, के इनटू के बी बराबर के डब्ल्यू, वही तो बताया थी ना। ये तो यहां से है सी एच इनटू सी एच अपॉन सी वन माइनस एच। यहाँ यार एक्चुअली यार नहीं, रीड भी स्टार्ट हो गया था, पुराना हो गया था ना, बेबी ठीक है तो ये मिल के वो कर लेंगे यार। एक बच्चा पर देखिए जल्दी से इसको क्वेश्चन लिखिए। पॉइंट आउट केएच ऑफ, पॉइंट आउट केएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, पॉइंट आउट केएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, के भी दे रखा है NH4OH का, that is 10 is power minus 6। दूसरा पॉइंट आपको निकालना है, H बताना है। थर्ड पॉइंट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बताना है, and the last one is pH बताना है। पॉइंट निकालना है यहाँ पे, KH निकालना है, H निकालना है, H प्लस pH, ये चार पॉइंट निकालने हैं यहाँ पे इस सवाल में। एच क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एच क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। पहले वाला बात सॉल्व कर लीजिए, फिर देखने के बाद फॉर्मूले में फंस जाइए आप, बेसिक इक्विलिब्रियम सॉल्व करिए आसान रहेगा। अच्छा मुझे बताइए NH4Cl सॉल्ट है ना, देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए NH4Cl salt, इसका dissociation लिखा, NH4 plus, plus Cl minus, ऐसे लिखा, 0.01 molar था, 0.01 था, after dissociation, 0.01 आएगा, ये भी कितना आएगा, 0.01 आएगा। अब आपको पता है, Cl minus को hydrolyze भी जाएगा, कौन hydrolyze हो सकता है, NH4 plus, ये hydrolysis हो सकता है इसका। अब NH4 plus का hydrolysis क्या लिखेंगे, NH4 plus plus water gives, cation क्या लिखेंगे अभी, H plus, बताइए आपने ये लिखा 0.01, this one will be 0.01, 1 minus H, 0.01 H and 0.01 H, ऐसे लिखा, बताइए अब इसका केएच क्या होगा, केएच क्या लिखोगे, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक, केएच विल बी इक्वल टू के ऑफ एनएच फोर प्लस,
लेकिन हमें एन एच फोर प्लस का तो के नहीं पता, तो हम के डब्ल्यू बाई के वी ऑफ एन एच थ्री कर सकते हैं। बताइए पहले तो के सी निकालना है ना, के डब्ल्यू इज टेन एस पावर माइनस फोर्टी, के वी इज टेन एस पावर माइनस सिक्स, दैट इज टेन एस पावर माइनस सिक्स। ये पहला ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमने के सी निकाल दिया इस तरीके से। किसी को समस्या हो तो बता दे, अगर किसी को यहां पे कोई समस्या हो तो बता दे, नहीं तो बताइए आगे चले। बताइए यहां पर किस थोड़ी क्या है, ये क्या है? अच्छा अब मैं केयर से क्या लिख सकता हूं, आगे केयर इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस एच, एंड वैल्यू ऑफ केयर इज व्हाट, 10 is power minus 8 and concentration is 0.01. C की वैल्यू कितनी है? 0.01। बोलिए KF upon C, KF upon C निकाल दिया, 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड बाय 0.01, दैट इज 10 इज पावर माइनस 6 लेस देन 10 इज पावर माइनस 3। बोलिए तो H कैन बी नेगलेक्टेड हियर, 1 माइनस H कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1। So, KH will be equal to CH square, H will be equal to under root of KH by C. KH कितना है? Minus 8 है ना? Minus 8, concentration is 0.01. तो ये कितना आ गया? तो ये है? H plus concentration किसके बराबर है? That is C into H, concentration is 0.01 and degree of hydrolysis is 10 is power minus 3. So H plus concentration will be 10 is power minus 5. ये आपका क्या था? Third point था ना क्या? Second and third था. And the last one was pH. pH will be equal to 5. ऐसे simply solution को solve कर सकते हैं. Clear है? तो समझ में आया? नॉर्मल इक्विलिब्रिया से सॉल्व करिए, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फॉर्मूले मत रटिए, फॉर्मूले जहां रटने होंगे वहां बता दूंगा मैं कहां फॉर्मूले रटते हैं। ठीक है टेन टू द पावर माइनस थ्री से कम होना चाहिए के एच बाई सी, तब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं वन के कंपेरिजन में। हाइड्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, हाँ सॉरी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जाम्पल सोडियम एसिडेट, बताओ पैरेंट एसिड कौन है बेस कौन है? एसिडिक एसिड है, एनएमएच मान लीजिए आपने ये लिखा केएफ, व्हाट इज एसिड एंड बेस, केएफ इज एच, केएफ इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एचएफ इज अ वीक एसिड, आपने एनएनओ2 लिख दिया, बताओ NaO is strong base, HNO2 is a weak acid. ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से मान लो हमने सोडियम एसिटेट का हाइड्रोलिसिस करना है, इक्वेशन डिराइव करनी है और हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन C पता है और K दे रखा है एसिडिक एसिड का, खुद से अप्रोच करिए, खुद से सोचिए, कॉन्सेंट्रेशन सोडियम एसिटेट का C दे रखा है and acid dissociation constant of acetic acid is given, we have to find the pH of this solution, जो भी normal method है, conventional तरीका है, उस तरीके से लिखते हुए इसको solve करिए। बनाएं expression, देखिए कैसे करेंगे, एक sodium acetate बेटा salt है, और salt का dissociation क्या लिखेंगे, complete लिखेंगे, यहाँ से लिखा CH3COO Na, इसका डिसोसिएशन लिखा CH3COO माइनस
plus Na plus. The static concentration was C after reaction C and C. आपको पता है Na plus will not undergo hydrolysis because it is a cation of a strong base. Na plus hydrolyze नहीं होगा. एसिटेट को चेक कर लेते हैं. एसिटेट को चेक कर लेते हैं यहां से. एसिटेट को चेक कैसे करेंगे? रिएक्शन विल बी एसिटेट आयन प्लस वाटर. एनायन क्या देता है? हाइड्रोलाइज होंगे. बोलो OH माइनस. तो CH3COH प्लस OH माइनस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KS. बेटा ये C1 क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज H. तो ये कितना है? C1 माइनस H. दिस विल बी इक्वल टू C into H. This will be equal to C into H. यहाँ पर पानी क्लियर है? यहाँ से मैं KH क्या लिख सकता हूँ? KH. अच्छा, KH की बात करें. यहाँ पे देखिए, nature of acetate क्या है? Basic है ना? और आपको पता है hydrolyzed जो होता है ये weak acid है. तो reaction partially पीछे जाएगी, पूरी नहीं जाएगी. इसलिए ये hydrolyzed होगा सिस्टम में. OH- बन के आएंगे, एक्स्ट्रा OH- बन के आएंगे. नेचर इस सॉल्यूशन से कैसा होगा? बेसिक होगा. ये बात क्लियर है? हमेशा याद रखना, वीक वाले का कंपाउंडर जो है ना वो हाइड्रोलाइज होता है. चाहे वो वीक एसिड हो या वीक बेस हो, उसका कंपाउंडर आयन जो है, जो कॉन्जुगेट आयन है, वो हाइड्रोलिसिस जाता है. ठीक है? यहां से बताओ इसका केबी लिखूंगा या केबी लिखूंगा. यहां से इसका KB क्या लिखूंगा? That is equal to KB of acetate. What can be written? KB of acetate, that is KW by K of acetic acid. तो यहां से अपन KH निकाल सकते हैं अगर K acetic acid का given हो. कितनी बात क्लियर है? Yes sir. अब आपने KH निकाल लिया. KH upon C आया 10 की पावर माइनस 3 से ज्यादा. तो KH क्या लिखोगे? CH square upon 1 minus H. और क्या करेंगे? Solve quadratic equation को solve करके H निकाल लेंगे. C पता होगा, KH पता होगा, H निकाल लेंगे. H plus concentration will be equal to C into H. वहां से PH चल जाएगा. बोलिए. Yes sir. लेकिन अगर KH upon C 10 की पावर माइनस 3 से छोटा है, नाउ वी कैन नेगलेक्ट एच विद रेस्पेक्ट टू 1. एच को नेगलेक्ट कर दिया. तो यहां से क्या आया? के एच विल बी इक्वल टू सी एच स्क्वायर एंड एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट? के एच बाई सी. यहां से बेटा ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू सी इंटू एच. कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ सी इंटू के एच. के एच की वैल्यू क्या रख सकते हैं? के डब्ल्यू बाई के ए ना. ये तो हमने ओ एच माइनस निकाला. अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? एच प्लस. बेटा आपको ये पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एच प्लस विद ओ एच माइनस इज कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू के डब्ल्यू. ऐसे लिख सकता हूं. बोलिए. यहां से लिखा that is equal to K W and OH minus concentration is what? C K W by K. C into K W divided by K. तो ये कितना आ गया? Under root of what? K into K W divided by C. यहां से pH निकाल लें. pH can be written as minus log of H plus ion concentration, that is minus log of what? K into KW by C power half common here, minus log of KW plus log of C. ऐसे लिख लिया. ठीक है? टेम्परेचर रखा मैंने. अच्छा, इसको और क्या लिख सकता हूं? पीएच को हाफ इन ब्रैकेट पी के डब्ल्यू प्लस पी के लिख सकता हूं. इसको बोलिए प्लस पी के प्लस लॉग सी.
ऐसे लिख सकता हूं क्या बताइए? अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है सो पीएच कैलकुलेटेड एज पीएच विल बी इक्वल टू 7 + 1/2 pKa. अब देख रहे हैं पीएच जो है वो 7 से ज्यादा निकल के आ रहा है. पीएच 7 से ज्यादा का मतलब क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी बेसिक. बेसिक होगा रीजन बेसिक है pH greater than 7 होगा रीजन anionic hydrolysis. कॉपी करना है जिसको कॉपी करना है कॉपी कर ले. यहां तो लिख दिया स्वीट लिखाना मुझे आई नहीं बोले हो गया. क्वेश्चन लिखिए जे 2009 का. देखिए जे 2009 क्वेश्चन लिखिए द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. The dissociation constant of a substituted benzoic acid at 25 degree Celsius is at 25 degree Celsius is 1 × 10⁻⁴1 × 10⁻⁴ इसी में अभी लिखेंगे. द पीएच ऑफ 0.01 पोलर द पीएच ऑफ 0.01 पोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट इज द पीएच ऑफ इट्स 0.01 पोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट इज ये फाइंड करना है. pH of its 0.01 molar sodium salt is 0.01 molar is substituted benzoic acid का sodium salt है इसका pH बताना है. करिए कितना pH पूछा है ये पूछा है आंसर 10 to 8 ठीक है. इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं आर क्यू एच भी कोई भी एसिड हो बेंजोइक एसिड है ऑब्वियसली इसमें सीओ एच क्यूब होगा एल्किल ग्रुप को आर से लिख दिया ठीक है. इसका के हमने दे रखा है व्हाट इज के 10⁻⁵ ये दे रखा है. अब इसका एक सोडियम सॉल्ट है दैट इज RCO- Na+ ये इसका सोडियम सॉल्ट हो गया. इसका पीएच पूछा है व्हेन कंसंट्रेशन इज कंसंट्रेशन कितना दिया 0.01 तो आपको सॉल्ट का डिसोसिएशन तो कंप्लीट लिखना होगा RCO- Na+ ये आपका 0.01 था आपका रिएक्शन 0.01 ये कितना आया 0.01. अब बताइए हाइड्रोलिसिस किसका करा हूं? ये तो हाइड्रोलिसिस नहीं जाएगा इसका करा देते हैं. बताइए यहां से RCOO- का हाइड्रोलिसिस करा दिया इस रिएक्शन विद वाटर एंड प्रोडक्ट विल बी RCOOH+OH-. बताओ इसका कांस्टेंट क्या होगा के और के बी के बी के बी होगा ना. इसको केएच बोल रहे हैं केएच विल बी केबी ऑफ RCO- दैट कैन बी रिटन एज KW बाय K ऑफ RCO OH. बताइए ये कितना हो गया 10⁻⁴ / 10⁻⁴. वी आर गेट 10⁻⁻¹ पीएच आ गया एंड कंसंट्रेशन इज 0.01 ठीक है. तो यहां से KH can be written as
CH square upon 1 minus H, KH upon C check कर लो, 10 की power minus 10, C is 0.01, 10 की power H को negate कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, यहां से KH आया, CH square, H will be equal to under root of KH divided by C, KH की value क्या थी, 10 to the power minus 10, concentration is 0.01, बोलो कितना गया 10 power minus 4 तो यहां से OH minus concentration was equal to C into H 0.01 into 10 power minus 4 that is 10 power minus 6 B OH will be equal to 6 pH will be 14 minus 6 that is ठीक है देख लीजिए अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अगर किसी को डाउट है पूछ लीजिए लिखिए हां नहीं लास्ट इसका पार्ट था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट वीक बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट वीक बेस Hydrolysis of salt of weak acid and weak base Hydrolysis of salt of weak acid and weak base बेटा इसका एग्जांपल देखिए लाइक इफ यू राइट CH3COOH4 और वे राइट लाइक NH4Cl सो व्हाट आर देयर कंजुगेट एसिड एंड बेस इसमें क्या हुआ एसिडिक एसिड और NH4OH बताइए और इसमें क्या होगा NH4OH और HCl दोनों वीक है इसमें भी दोनों कैसे हैं वीक है ये क्लियर है अगर दोनों ही वीक हैं तो हाइड्रोलिसिस दोनों जाएंगे बताओ जो वीक एसिड या बेस का कॉन्जुगेट होता है वही तो हाइड्रोलाइज होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट है हाइड्रोलाइज तो नहीं होता है तो यहां पे लाइक अगर हमने ऐसे ले लिया CH3COONH4 ये सॉल्ट लिखा सॉल्ट का डिसोसिएशन कंप्लीट ये पूरा डिसोसिएट हो गया इफ द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन वाज C दिस विल बिकम C एंड C बोलिए सही है ना अब यहां से ये दोनों हाइड्रोलिसिस जाएंगे ये भी जाएगा साइमल्टेनियसली ये भी जाएगा क्योंकि दोनों के सोर्स कैसे हैं वीक है ठीक है यहां से हाइड्रोलिसिस की क्या रिएक्शन लिखेंगे दोनों की बॉर्डर के साथ रिएक्शन होगी प्रोडक्ट विल बी CH3COOH प्लस NH4OH कांस्टेंट इज कॉल्ड एज CH Hydrolysis constant. This is C. Degree of hydrolysis is H. C 1 minus H. 1 minus H. This will become equal to C into H. This will become equal to C into H. बताइए कितनी बार क्लियर है यहां से मैं KH क्या लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ KH विल बी इक्वल टू C इनटू H C into H upon C 1 minus H into C 1 minus H. That is equal to H square upon 1 minus H का whole square. कहने का ये सेंस है H upon 1 minus H can be written equal to KH. एक तो ये बात हुई. अब देखिए आपको बातें बता रखी हैं K दे रखा है एसिडिक एसिड का And Kb is given for NH4OH. NH4OH का Kb बता रखा है. ये दो बातें बता रखी हैं. मुझे ये रिएक्शन लानी है. ये वाली रिएक्शन लानी है. देखो, ये NH4OH का दे रखा है. ये भी एसिटिक एसिड का दे रखा है. क्या मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन को रिवर्स करूं? और साइमल्टेनियसली NH4OH की रिएक्शन को भी रिवर्स करूं? बताइए. यहां से अगर मैं
एसिडिक एसिड को रिवर्स करता हूं CH3COOH, रिएक्शन को रिवर्स किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम 1/k. अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, तो उसका कांस्टेंट क्या होगा? 1/k. बताइए. ऐसे ही NH4OH वाले रिएक्शन को रिवर्स किया, NH4OH रिएक्शन रिवर्स किया, इट बिकम NH4+ OH-, कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1/kg. अभी वाटर और दिख रहा है यहां पे, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज कर लेते हैं, दैट इज H2O विल गिव H+ OH-. इसका कांस्टेंट क्या है? तीनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए यहां से, तो आप देखिए यहां से H+ OH- विल कैंसिल आउट. बताइए, तो नेट इक्वेशन क्या है? CH3CO- + NH4+ + water, दैट विल गिव एसिटिक एसिड अलोंग विद NH4OH, एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड एज ऑफ KH. इससे कांस्टेंट क्या बोला? KH. इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं. पढ़ाई करके इक्विलिब्रियम KH विल बी इक्वल टू KW, सॉरी हां, अपॉन K इनटू KG. ये इसका KH हो जाएगा. यू आर सेइंग नहीं, एक साथ लिखे ना, आपने लिखा KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय K इनटू KG. ऐसे लिखा. हमें अल्टीमेटली पीएच बताना है, ठीक है? एसिटिक एसिड ले लो, पीएच निकालने के लिए वो एच प्लस दे रहा है. एसिटिक एसिड गिव्स CH3COO- + H+. आप देखिए एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे? CH. एंड एसिटेट इज C1- एसिटिक एसिड इज CH एंड दिस वन इज C1- H, और हमें H+ निकालना है. कांस्टेंट क्या होगा इसका? K. K होगा ना? K क्या लिखूंगा? K बराबर डिवाइड बाय कैंसिल आउट, सो दैट H+ कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम इक्वल टू व्हाट? K इनटू H अपॉन 1- H. और H अपॉन 1- H देखो कितना निकाला था, रूट के एच. और के एच की वैल्यू क्या थी? के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी, दैट इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट के एच. यहां से लिखा एच प्लस बराबर के ए इंटू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी. ये कितना गया? दैट इज के इंटू के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी, ठीक है? अल्टीमेटली पीएच निकालना है. पीएच निकालने के लिए क्या लिखेंगे? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस के इनटू के डब्ल्यू अपॉन के बी पावर 1/2. हाफ कॉमन ले लिया, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के प्लस लॉग के बी, ऐसे लिख लिया. That is half, calculate so PKW plus PK minus of PKB. अगर हमने temperature रखा 25 degree Celsius, temperature is 25 degree Celsius, then pH will be equal to 7+/2, that is PK minus of PKB. याद रखना कि अगर मेरे पास सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का, तो पीएच इज क्लोज टू 7. इधर इट विल बी स्मॉल, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होगा 7 से, या तो 7 के आसपास होगा, या मतलब 7 के बराबर होगा मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है? अब ये इसमें एक बात समझ सकते हैं, इफ के इज ग्रेटर देन के बी, तो पी के छोटा देन पी के बी से पीएच विल बी लेस देन 7. सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक. If KB is greater than KK, बोलो, तो PKB क्या होगा?
What all there are three cases? VH will be more than 7. The solution will be this. If K is equal to KB, then VH will be equal to 7, solution will be neutral. But यहाँ पे ये ऐसा केस है ना कि आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने चाहिए जैसे कि h upon 1 minus h is equal to under root ph. एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा. दूसरा फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा कि kw is equal to ph is equal to kw by k into kb. और तीसरा फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा किस केस पे फॉर्मूले ध्यान रखिएगा क्योंकि बात ये है ना कि यहाँ पे जो pH है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा. अब देखिए C का फैक्टर नहीं है और ना तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का इसी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही. ये अच्छा केस है. यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले याद रखते हैं तो आपको फायदा है. बाकी सब मैं आप इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, कहाँ से कॉपी करना है? ये मैंने चारों आपको हाइड्रोलिसिस के केस बता दिए. संडे का सोच रहे हो ना आपको, मैं तो अगर एक मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो कल के दिन 4 बजे क्लास रहती है किसी की रहती क्या? क्योंकि उसमें क्या है ना कि मैं एक्सेल 4 के बराबर लिया था, फिर आप एक्स्ट्रा क्लास में क्या बार एक काम करेंगे आप लोग एक घंटे की रखेंगे उनकी 2 घंटे की नहीं उनकी 1 घंटे के रखने की आपकी 2 घंटे की नहीं बराबर थोड़ा सा डिफरेंस एक पीस में एक पीस का डिफरेंस पॉलीक्रोमेटिक एसिड का उनको कल नो कर देंगे ना उनकी कल भी क्लास ये तो परसों है ना जी आराम से बात करते करते टाइम हां सर भी हो जाए हो जाएगा ना. मतलब कोशिश ये करेंगे कि संडे तक बफर हो जाए. मर्ज करने का प्रयास भी बोल नहीं किया. एक्स्ट्रा क्लास 8 में हो जाएगी. कौन सा एक्स्ट्रा क्लास? 8 सबसे पहले खत्म होने वाला है. कर लीजिए 36 तक अप टू 36 वही वन अप टू 36 एक्सरसाइज ओई वन अप टू 36 आप लोग का टेस्ट इस संडे अगले संडे क्या तो क्या सी कल ही पढ़ दो तो बाद है सो नेक्स्ट काम मिले में सो नेक्स्ट अगर अगर दो संडे रखना तो अपन ये आईडी पे तो कर दो संडे से रखना रेगुलर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच degree of hydrolysis and pH of salt of weak acid and weak base
degree of hydrolysis and pH of salt of weak acid and weak base does not depend on initial concentration of salt ठीक है, देख लीजिए ना, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई फैक्टर है और ना ही पीएच में कोई कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर है अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है सर, अगले टर्म पर डिस्कशन करूंगा भाई, वही मतलब वही वन डिस्कस करूंगा।